This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery. केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैया. Dear Saptahik Lottery. भाग्य बदलिने बाटो. आज दार्जिलिंग जिला माकपा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामकृष्ण आश्रम पर भूमाफियों के हमले पर की निंदा. पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल और गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दार्जिलिंग जिला संयोजक जीवेश सरकार शामिल थे. उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की छात्र बबीता दत्त की रहस्यमय मौत मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग में भाजयुमो ने किया विरोध प्रदर्शन. सिद्धार्थशंकर लाहा का जलाया पुतला. इस विरोध प्रदर्शन में युवा मोर्चा सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिला के अध्यक्ष अरिजीत दास भी शामिल थे. आज सुबह माटीगाड़ इलाके में झाड़ी से एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष का शव बरामद होने से फैली सनसनी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सिलीगुड़ी में एसओजी और प्रधाननगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से डालखोला निवासी रॉकी सिंह को जंक्शन से 399 ग्राम नशीली पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार. बागडोगरा के एक निजी स्कूल में एक शिक्षक द्वारा सातवीं कक्षा के एक छात्र को थप्पड़ मारने पर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच बहस. छात्र के पिता प्रवीण हल्दार ने बागडोगरा थाने में कराई शिकायत दर्ज. सिलीगुड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित. इस अवसर पर दार्जिलिंग जिला कांग्रेस अध्यक्ष शंकर मालाकार, जीवन मजुमदार, राजेश प्रसाद, सुब्रत दत्ता, सदानंद दास, कल्याण घोष समेत कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे. तूफान प्रभावित वार्निश गांव के लोगों का जीवन लौट रहा है पटरी पर, लेकिन काल बैशाखी का डर अभी भी सता रहा है. सिर्फ 2 मिनट के चक्रवर्ती तूफान में जलपाईगुड़ी जिले का वार्निश गांव पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन अब राज्य सरकार की मदद से गांव धीरे धीरे पुनर्निर्माण हो रहा है. हालांकि ग्रामीणों में फिर से ऐसी घटना के डर के कारण आतंक का माहौल बना हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर नॉर्थ बंगाल टी प्रोड्यूसर वेलफेयर एसोसिएशन फ्री में पिला रहा है चाय. सरकार से की राष्ट्रीय ड्रिंक घोषित करने की मांग. नॉर्थ बंगाल टी प्रोड्यूसर वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतीश मित्रू का भी मौजूद थे. दुर्गा पूजा से पहले खुल जाएगा पहाड़ियों की गोद में स्थित चामुर्चा इको पार्क. व्यवसायियों के साथ आम लोग भी खुश. करीब 3 साल तक बंद रहने के बाद भारत भूटान सीमा पर स्थित चामुर्चा इको पार्क दुर्गा पूजा से पहले खुलने जा रहा है, जिससे क्षेत्र के व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा. अलीपुरद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार के लिए सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यवसायियों और लोगों ने मुआवजा और आवास की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन. कैन यू बिलीव दिस, क्या विश्वास करेंगे, दवाइयों में 22% तक की छूट. जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है. साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी. सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कोरियर चार्जेस. ऑर्डर करने के लिए फोन करें. अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत. मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी. सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं. सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़ सुभाष पल्ली. कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001. Hi guys, Tony Perry here from Windmillane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madhavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU Windmillane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program and look forward to seeing you all on the MSU campus. चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार. नागालैंड स्टेट डियर 500 बाई मंथली लॉटरी. पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड. मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया. ड्रॉ 25 मई. पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर. अटेंशन स्टूडेंट्स, आर यू वरीड अबाउट कोर्सेज एंड कॉलेजेस?
Shape your dreams. Meet 50 premier institutes at oldest and most reputed 28th SAPE Education Fair at City Center, Uttarayan, Siliguri on 25th and 26th May 2024, 10 a.m. to 7 p.m. Entry free. Also, win smartwatch, mobile phone visiting the fair. Radio partner Radio Misty 94.3 FM. For details, call 9830-758-408 or log into www.sapeevents.com. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in.